Now, the second topic is data. What do you mean by data? Any digital record is data. लिख लीजिए. सबसे छोटा, सबसे authentic. Any digital record is data. लेकिन आप केवल इतना आंसर लिख के नहीं बच सकते. Any digital record. आपके हाथ में आपका फोटो है हार्ड कॉपी पर, उसका फोटो खींचा, डिजिटल डेटा. आपके हाथ में, आपके कॉपी में नोट्स है, उसका स्कैन किए, क्या बन गया? डिजिटल डेटा. आपके मोबाइल में पीडीएफ है, पीडीएफ की कोई फाइल है, मार्कशीट है, मार्क स्लिप है, पेट्रोल का रिसिप्ट है. आप अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं पेट्रोल पंप पर, तो आपको उसके थ्रू एक SMS आता है जिसपे के नीचे लिंक होता है. अगर उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑनलाइन भारत पेट्रोलियम या इंडियन ऑयल आपको एक रिसिप्ट भेजेगा. दैट इज डिजिटल रिसिप्ट, डिजिटल डेटा. एनी डाउट? कोई दिक्कत? जिस चीज को फिजिकली हम हाथ से टच नहीं कर सकते, जिसको हम अपने पॉकेट में या बैग में नहीं रख सकते, दीज आर डिजिटल डेटा. अब ये बच्चे वाला नहीं बताएंगे, जैसे आप बच्चों में पढ़ते थे कि जिस चीज को हम हाथ से छू सकते हैं, घुमा सकते हैं, वो हार्डवेयर है. ये क्लास लाइन में तो नहीं चलेगा. बात सही है, गलत है? सो हम ऐसा कहने के लिए समझा दे रहे हैं कि आपके दिमाग में ये बात रहे कि फिजिकल डेटा इज हार्ड कॉपी एंड डिजिटल डेटा इज सॉफ्ट कॉपी. नाइस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेटा एंड रिसोर्स? व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स? पहले हम डेटा समझ लिए, अब रिसोर्स समझना है. रिसोर्स मीन्स जिस डेटा को हम यूज कर रहे हैं उसको किस रिसोर्स यानी कि माध्यम से आप किसी को भेजते हैं. द रिसोर्स में भी हार्डवेयर, द रिसोर्स में भी सॉफ्टवेयर. मतलब एक ऑफिस है, चार अलग अलग कंप्यूटर पर काम हो रहा है. अगर चारों मशीन को प्रिंटर दे दिया जाए तो कॉस्टली होगा. याद होगा नेटवर्किंग में समझाए थे? याद हो गया? क्यों ना हम एक प्रिंटर लगाएं और रिसोर्स शेयर कर दें. चारों लोग अलग अलग फ्लोर पर बैठे हुए हैं लेकिन वहां से आउटपुट निकलता रहेगा. सो दैट इज कॉल्ड रिसोर्स शेयरिंग. क्लियर? अब आपके पास एक PDF फाइल है, आपने व्हाट्सएप उठाया, एक बार में 5 लोगों को शेयर कर सकते हैं, कर दिया, रिसोर्स शेयरिंग. तो सॉफ्ट से सॉफ्ट कॉपी मतलब सॉफ्ट रिसोर्स शेयरिंग भी होता है और हार्ड रिसोर्स शेयरिंग भी होता है. कोई दिक्कत? अगर मैं सबको अलग अलग वीडियो, अगर आप YouTube पर जाके देखें मेरे ही रिकॉर्ड किए हुए वीडियो या किसी टीचर के रिकॉर्ड किए हुए ग्रुप में वीडियो, क्यों ना इसको इस क्लास में स्मार्ट बोर्ड पर चला दिया जाए. एक बार में 40 बच्चा देख लेगा.